लोगों कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का सफ़र कर रहे हैं। हमें अपनी एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हम पांच बहनों के गुनहगार भी नहीं बन जाए, हमें ये भी सोचने की जरूरत है। आई थिंक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट पे उनका नाम लिया जा रहा है या उसके फोटोज को किया जा रहा है, उसको डिलीट किया जाए, सजा मिलना चाहिए, ताकि इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। और अनाउंस हुआ तो ये 30 साल तक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ को वेट करने की जरूरत, इंसाफ को वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए जहाँ पे इस टाइप के घिनौने अपराध का इंस्टेंट उसमें ट्रायल हो और इंस्टेंट उसमें फैसला आए, ताकि पीड़िता को उनको हक का न्याय उनको मिल सके। आपको एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे बंगाल की खूबसूरती हमेशा रही है। जैसे आप देखें यहाँ पे, आप रेड रोड की नमाज, ईद की नमाज देखें, जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फेमस होता है, दुर्गा पूजा, कहाँ कमी रह गई है हमारे शहरों में और हमारे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जैसे आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप सबसे बहुत गुजारिश करूंगा कि देखिए हम लोग संविधान से बंधे हुए, हम लोग संविधान को मानते हैं, एंड वी रियली प्राउड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा होगा कि कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जस्ट अ रिक्वेस्ट कि किसी भी पीड़िता का फोटो या उसका नाम सोशल मीडिया पे स्प्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ से अवॉइड करने की ज़रूरत है। या आई थिंक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट पे उनका नाम लिया जा रहा है या उसके फोटोज़ को किया जा रहा है, उसको डिलीट किया जाए। तो जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप ये भी मैसेज डालिए कि उनका नाम एंड फोटो इस्तेमाल नहीं किया जाए। और सेकेंड चीज़, हम लोग उनके साथ खड़े होने के लिए आज हम लोगों ने सारे रिलीजियस लीडर जितने भी हैं, हम लोगों ने साथ में मिलकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जो क्राइम हुआ है उसका जितना टफेस्ट पनिशमेंट सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मिलके जितनी जल्दी दे सकते हैं, कल्प्रिट को सजा मिलना चाहिए, ताकि इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सुधार की भी ज़रूरत है। आपने अभी जस्ट देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक 30 साल केले का केस का सजा कुछ दिन पहले जस्ट अनाउंस हुआ। तो ये 30 साल तक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ को वेट करने की जरूरत, इंसाफ को वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए जहाँ पे इस टाइप के घिनौने अपराध का इंस्टेंट उसमें ट्रायल हो और इंस्टेंट उसमें फैसला आए, ताकि पीड़िता को उनको हक का न्याय उनको मिल सके। थर्ड चीज़ मैं आपसे और एक और गुजारिश करूँगा, बिल्कुल सही कहा। देखिए एक चीज़ जो हमें सामने में आया और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बहन एक बेटी के साथ आज पूरा इंडिया खड़ा है। ये यूनिटी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि ये यूनिटी हर उस बहन और हर उस बेटी के साथ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसिडेंट कोलकाता में हुआ या किसी डॉक्टर के साथ हुआ, किसी फार्मर की बेटी हो, किसी प्यून की बेटी हो, किसी राह चलते इंसान की भी बहन हो, किसी भी, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट देता है। तो हमें सबके जहाँ जहाँ कोई भी गुनाह होता है वहाँ पे सबको मिलजुल के इसी तरह प्रोटेस्ट करके और सबको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल। थर्ड चीज़ आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे बंगाल की खूबसूरती हमेशा रही है कि बंगाल की खूबसूरती, बंगाल के सोशल इक्वालिटी और सोशल कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का पहचान रहा। जैसे आप देखें यहाँ पे, आप रेड रोड की नमाज, ईद की नमाज देखें, जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फेमस होता है, दुर्गा पूजा देखें यहाँ का पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस होता है, पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस का फेस्टिवल देखें, ये पूरा फेमस होता है, ग्रुप अप होता है, यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं और ये एक मैसेज बंगाल से शुरू होकर पूरा इंडिया में स्प्रेड होता है। आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। और 3 consecutive years कोलकाता वॉज द सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर बाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमारे इस छवि पे असर पड़ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे वो एजेंसीज जो इस चीज़ को, ये सच को सामने लाए और उसका फैसला जितना जल्दी से जल्दी हो, उस चीज़ को वो पब्लिक के सामने आए, क्लियर हो सारी चीज़ें, और जो कल्प्रिट है उसको स्ट्रांगली से स्ट्रांगली सजा दिया जाए। बट एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि यहाँ की शांति खराब ना हो। हमें प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हम बिल्कुल करें, बट शांति से करें, कहीं भी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। और मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा कि हमारी एक बहन तो ऑलरेडी जान गंवा चुकी है, ठीक है, और 100 बहनें इसका शिकार नहीं हो। देखिए बहुत जगह पे ऐसा होता है, ये बात सही, अभी हमारे एक भाई ने भी कहा कि बहुत सारे जो ग्राम से जो पेशेंट वगैरह लोग आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्राम से दूर से पेशेंट लोग आ रहे हैं, उन लोगों कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का सफ़र कर रहे हैं। हमें अपनी एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हम पांच बहनों के गुनहगार भी नहीं बन जाए, हमें ये भी सोचने की जरूरत है। सफी सर, ये आपने बोला कि कोलकाता ऐसा सेफेस्ट सिटी कहाँ से रहा, क्योंकि अभी इतने क्राइम्स हो रहे, इतने छुरी मारी जा रही है, इतने हर जगह जगह पे मर्डर हो रहा है, डॉक्टर का तो अभी मसला हुआ है, जिसकी वजह से वो पुरानी बात थोड़ी सी
देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बहन आपसे मैंने अभी कहा कि लास्ट थ्री इयर्स, अभी की रिपोर्ट बाद में आई है, लेकिन लास्ट थ्री इयर्स ये तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया। दूसरी चीज़ें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आज का जो ज़माना है अगर आप इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी जो एक्सपेक्टेशन ये सोचना कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, ये लॉ एंड नेचर की तरफ से बना हुआ। हाँ, ये हमें ये देखना होगा कि किससे हमें कम नुकसान हो रहा, हमारे लिए आज वही बेहतर है। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी जगह से तो नो डाउट वेस्ट बंगाल बहुत पीसफुल जगह रहा है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ। आप यहाँ पे कभी ये नहीं देखते होंगे कि एक दूसरे रिलीजन के लोगों को आपस में ऐसा डिस्प्यूट यहाँ ना के बराबर होता है। यहाँ कभी उस टाइप का डिस्प्यूट नहीं देखते होंगे कि एक दूसरे के स्टेट के लोग आके यहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं, ये सब डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं देखना होता। और बहुत सारे आई एम श्योर यहाँ पे भी बहुत सारे जो लोग होंगे कोई अलग अलग स्टेट के होंगे, कोई अलग अलग रिलीजन के होंगे, पर यहाँ पे आपस डिस्प्यूट बहुत कम देखने को मिलता है। यही रही है बंगाल की खूबसूरती। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा, ये भी आप इस चीज़ के ऑन रिकॉर्ड है, जितने ब्लड डोनेशन कैंप बंगाल में होते हैं शायद ही कहीं किसी स्टेट में इतना होता है। यहाँ पे जितने रिलीजियस सेरेमनी जो होते हैं या सारे रिलीजियस के लोग आपको एक प्लेटफॉर्म में जितना बंगाल में दिखेगा उतना कहीं नहीं दिखेगा। और मैक्सिमम कोई सोसाइटी में डिस्टर्बेंस तभी आती है जब रिलीजियस को लोग आगे करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारा बंगाल बहुत बेस्ट है, यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी कभी डेंजर में नहीं पड़ता है। भाई मेरा एक सवाल था, लास्ट सवाल थी कि ये जो आप लोग ने आज ऑर्गेनाइज किया तो ये ऑल बंगाल इमाम और वोजिंग की तरफ से था या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से था? क्योंकि देखिए एक मिनट, क्योंकि देखिए जो हॉस्पिटल में हुआ, आरजी का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना कोई सिक्योरिटी थी, ना सीसीटीवी कैमरा, डॉक्टर के रेस्ट के लिए कोई जगह भी नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की गलती है तो इसमें क्या गलती है, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए पहली बात, जो गलत है वो गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि एक बेटी एक बहन की जान गई, एक बेटी और एक बहन की इज्जत पे हमला हुआ, इसको दुनिया का कोई भी इंसान इसको सही नहीं मान सकता, ये गलत है और हम इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है, और जिसने भी ये किया है उसको स्ट्रांगली सजा मिलना चाहिए, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा, हम भी कह रहे हैं कि आज उसको हैंग टिल डेथ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट भी सजा उसको मिलना चाहिए। देखिए भैया क्या कमी रही जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए सीसीटीवी कैमराज नहीं है, जो डॉक्टर्स 24 घंटा वहाँ है उनके लिए आराम करने की कोई ऐसी जगह नहीं है। देखिए भैया अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसी में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हुआ है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने खिचड़ी बना दिया। जैसे अभी आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कल्प्रिट पकड़ाया गया उसकी भी सीसीटीवी फुटेज से ही उसको आइडेंटिफाई किया गया, तो ये कहना कि वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं ये गलत है, क्योंकि था तभी तो कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया गया, उसको देखा गया। दूसरी चीज भाईजान, अभी आप देखिएगा बहुत सारे न्यूज ऐसे सोशल मीडिया में फैल रही है, बहुत सारे न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है, और मैं आपको एक चीज सिर्फ बेसिक एक छोटा सा चीज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के थ्रू ये पब्लिक तक जाए। बहुत सारे मीडिया चैनल बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि ये व्हाट्सएप चैट दिखा, ये ऑडियो क्लिप दिखा, और उसके बाद वो एक लाइन ये भी कहते हैं कि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, हम इस चीज की ऑथेंटिकेशन की पुष्टि नहीं करते। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि ये चीज सच की गारंटी नहीं ले रहे, ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आप किस वजह से आप उस चीज को दिखा के पब्लिक के अंदर एक एंगर पैदा कर रहे हैं? बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कानून है हमारे यहाँ पे, सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उनसे बेहतर तो आप और हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उनके पास सारे टूल्स हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, हमें क्या है कि हमें सबर करके थोड़ा उन्हें वक्त देना चाहिए ताकि सही लोग जो इसमें कल्प्रिट इन्वॉल्व है सच बात सामने आए, जल्दी के चक्कर में किसी गलत को भी नहीं ये किया जाए, जो सही है पब्लिक के सामने सच आना चाहिए, जो गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टाइम देना होगा। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के फेक न्यूज या इस तरह के जो सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है किसी को टारगेट करके, मैं बार बार कहता हूं ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल मुद्दा है, ये कहीं ना आपके हम जैसे फैमिली में सबकी बहन बेटी होती है, ये अबाउट सिक्योरिटी ऑफ ऑल एवरी वुमेन्स ऑफ दिस एंटायर कंट्री, तो हमें सबको मिलकर इस चीज को प्रोटेस्ट करना, जहां गलती है वहां ठीक करने की जरूरत है, आज मान लिया सिक्योरिटी लैप्स हुई तो वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, और ये सबको मिलकर आवाज उठानी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे क्लिप आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ, अभी जैसे मैंने एक न्यूज चैनल का देखा कि उसमें उन्होंने देखा कि 150 लोगों ने मिलकर ये किया, अब बताइए 150 लोगों का उनके पास कोई ऑथेंटिकेशन है बोलने का, और उन्होंने हेडलाइन बना दिया, दिस इज रॉन्ग।
बहुत तरह की रिंग है, 15 लोग है, 20 लोग है, अगर आपको पता है तो आप पब्लिक है, जाइए मेरी एजेंसीज के पास जाइए, उनके सामने वो प्रूफ रखिए ताकि वो एक्शन लेंगे। लेकिन इस तरह से एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको उनको काम करने दीजिए जो लोग इस चीज़ों को सामने ला सके, लेकिन इस तरह से भ्रम पैदा करके लोगों के बीच एंगल लाना ये कहीं से भी सही नहीं है, गलत है।